खुदाए जुलजदा। ये मेरा पॉजिटिव पाकिस्तान के साथ पहला एक्सपीरियंस है और यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और यूथ के लिए ये एक मोटिवेशन प्लेटफॉर्म है। तर्जुमाने माजी शाने हाल, साया खुदाए जुलजदा। This is what my first experience and I have learned a lot and I am hoping to contribute a lot in the positivity of Pakistan and hope for and help in excellence of Pakistan. वायरलेस से हमने ये सीखा कि हमेशा कामयाबी इंसान स्टेप लेने से ही सीखता है। वायरलेस एक ऐसा स्टेप था, उन्होंने तहिया किया था कि हम 3000 की यूथ इकट्ठा करेंगे और उन्होंने कर दिखाया। ये स्टेप लेने की कामयाबी हमेशा इंसान को बहुत आगे ले जाती है। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद। मुझे पॉजिटिव पाकिस्तान के ज्वाइन किए बहुत थोड़ा अर्सा हुआ है और मैं यहाँ आके बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि बहुत अच्छी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला पॉजिटिव पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। एक्चुअली अगर मैं वायरस की बात करूं तो यूथ पॉजिटिव पाकिस्तान के अलावा भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन मुझे वर्क करने का मौका मिला है, बट जो मेन डिफरेंस मुझे लगा है पॉजिटिव पाकिस्तान जो एक आइडियोलॉजी पे वर्क आ रही है, जो मेरी नज़र में सबसे मुश्किल काम है और जितनी भी हमारी आजकल जंगें करो जो वो आइडियोलॉजी पर हो रही है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त करे। और वायरलेस इवेंट्स में अगर हम देखें तो हमारे जो स्पीकर थे वो इस हिसाब से बहुत अच्छे थे, बहुत मोटिवेशन मिला और जितने भी हमारे साथ यूथ ने कनेक्ट किया है सब बहुत ही मोटिवेट हुए इस लिहाज से। सैब्रिकेट बेसिकली पॉजिटिव पाकिस्तान की सोशल मीडिया टीम है जो क्या करती है कि पाकिस्तान में जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करती है, और इसमें अभी वायरलेस में हमने इसका पॉजिटिव पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड भी किया है जो था वायरलेस पॉजिटिव पाकिस्तान, जो 48 हार जो है टॉप ट्रेंड रहा है पाकिस्तान में। इस सोसाइटी का नाम जैसे पॉजिटिव पाकिस्तान है और मेरे और सोसाइटी के एम्स सिमिलर थे। मैं भी पाकिस्तान हूँ, मैं भी पाकिस्तान के लिए ही हूँ, तो इसलिए मैंने इस सोसाइटी को ज्वाइन किया था। यहाँ पे वायरलेस दैट इज 16th यंग लीडर्स समिट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो यूथ को दी जाती है कि जितने भी यूथ है वो आए और अपनी आके करेक्टर बिल्डिंग करे, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करे। एंड अलॉन्ग विद दैट मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर सकूँ, और दैट वॉज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक्स टू द पॉजिटिव पाकिस्तान जिन्होंने यूथ के लिए एक इतना बड़ा नेटवर्क बनाया। थैंक यू। यूथ को एम्पावर करना था, जो चैलेंजेस हैं उनके उससे थ्रू रोशनास कराना था, उनको इंटरनेशनल ट्रेंड्स जो थे यूथ के अंदर चल रहे पाकिस्तानी यूथ को वो बताना था कि इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या हैं और सी पैक का पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या रोल है। ऑल अक्रॉस फ्रॉम सिंध, केपीके, पंजाब, उधर से हमने लोगों को यूथ को इकट्ठा करके वो कैसे पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं, ये बेसिक पर्पज़ था यंग लीडर समिट कराने का। सिक्सटीथ यंग लीडर समिट थी, इसका मैं इंचार्ज था, कोऑर्डिनेटर था। इसका बेसिक मकसद जो था कि हम लीडर्स प्रोड्यूस करें, लीडर क्रिएट करें। हम सारे फॉलोअर्स तो बनते हैं लेकिन हम लीडर बनने का दावा भी करते हैं, नौजवानों में लीडरशिप इंकल्केट करें, हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताएं, यानी कि वो जिस फील्ड में भी जाएं वहां पे वो एज ए लीडर बन के जाएं। ये जो यंग लीडर समिट है इसका मकसद ये है कि यूथ को एम्पावर किया जाए, और ये जो वो यूथ है कि जो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का असल एटॉमिक बॉम्ब है, यानी इसको हम अगर एम्पावर कर दें, इसको हम इसकी कैरेक्टर बिल्डिंग कर दें, इसको विजन दे दें, इसको जो है वो नॉलेज दें, इसमें विजडम को इनकलकेट करें, तो ये वाकई पाकिस्तान को जो है वो एक अजीम तर इस्लामी फलाही ममलकत बनाने के लिए जो है वो
कमर बस्ता हो सकते हैं और उसमें एक जो है वो अजीम किरदार अदा कर सकते हैं। लोग पूछते हैं पॉजिटिव पाकिस्तान का मकसद क्या है, तो मैं इसके जवाब में इकबाल का ये शेर कोट किया करता हूँ कि बजलाल तू के दरे दिल दिगर आरज़ू नदारम बजजी दुआ के बख्शी बा कबूतरा का भी कि ऐ खुदा तेरे जलाल की कसम इस दिल में इस आरजू के सिवा कोई दुआ नहीं कि तू इन कबूतरों की सी ज़िंदगी जीने वालों में अकाबी रूह पैदा कर दे। तो पॉजिटिव पाकिस्तान जो है वो बेसिकली यूथ में अकाबी रूह पैदा करने के लिए सरगर्म अमल है। ये 16th यंग लीडर समिट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से मुनक्किद हुआ और इसमें पूरे पाकिस्तान से 3,500 यूथ ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट ईयर हम 20,000 यूथ को इकट्ठा करेंगे 31 मार्च 2019 को कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, और उसके बाद हमारा विजन ये है कि इंशाल्लाह हम 2020 में पूरे पाकिस्तान से यूथ को इकट्ठा करके 1 लाख यूथ कॉन्ग्रीगेशन का इनकाद करेंगे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और ये इंशाल्लाह हिस्टोरिकल इवेंट होगा, दुनिया की सबसे बड़ी यूथ कॉन्फ्रेंस का इनकाद होगा। आपका भी वहाँ पे हमें इंतज़ार रहेगा, उम्मीद है कि आप वहाँ पे हमारे साथ शरीक होंगे और अपने जज्बों को महसूस करेंगे।